हेलो दोस्तों और लीडर्स में आप सबका स्वागत है। इस चैनल पर हम पूरे वर्ल्ड के फेमस लीडर्स की जीवनी और उनके योगदान से जुड़ी बातें बताते हैं। इस वीडियो में बताए गए सारे इन्फॉर्मेशन किसी न किसी आर्टिकल या बुक पर आधारित है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन डाउटफुल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डाले ताकि सही इन्फॉर्मेशन सबको मिल सके। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐश्वर्या राय बच्चन साधारणतः ऐश्वर्या राय के नाम से भी जानी जाती है। वह एक भारतीय अभिनेत्री, पूर्व मॉडल और 1994 में मिस वर्ल्ड खिताब की विजेता है। अपने सफल बॉलीवुड करियर से पेश ने खुद को भारत की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनाया। ऐश्वर्या राय को बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें 10 नामनेशन में से 2 फिल्म फेयर अवार्ड शामिल है। भारत सरकार ने 2009 में उन्हें पद्म भूषण देकर भी सम्मानित किया था और फ्रांस सरकार ने 2012 में उन्हें ऑड्रे द्यूटसे से सम्मानित किया था। इसके साथ ही उन्हें दुनिया की सबसे सुंदर महिला भी कहा गया था। जब ऐश्वर्या राय कॉलेज में थी तो उन्होंने मॉडलिंग से संबंधित कुछ असाइनमेंट किए थे और धीरे धीरे टेलीविजन को देखते हुए वह मिस इंडिया स्पर्धा में शामिल हुई, जिसमें वह दूसरे स्थान पर आई। लेकिन 1994 में उन्होंने मिस वर्ल्ड का ताज पहले स्थान पर आई और तभी से राय को फिल्म के ऑफर्स आने लगे। ऐश ने 1997 की तमिल फिल्म इरुवर से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था और उसी साल उनकी पहली हिंदी फिल्म और प्यार हो गया आई। इसके बाद सफलता उनके कदम चूमते चली गई। स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन पर भी ऐश्वर्या राय बहुत से सामाजिक संस्थाओं और कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर है। इसके साथ ही वह जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम इट्स यूएनआईडीएस की गुडविल एम्बेसडर भी है। ऐश्वर्या राय प्रारंभिक जीवन और मॉडलिंग करियर। ऐश्वर्या राय का जन्म तुलु बोलने वाले परिवार में कर्नाटक के मंगलों में हुआ। उनके पिता का नाम कृष्ण राज है, जो आर्मी बायोलॉजिस्ट थे, और माता ब्रेंडा ग्रेनी है। उन्हें एक बड़ा भाई आदित्य राय भी है, जो चेन्नई में इंजीनियर है। इसके साथ ही वहश की फिल्म दिल का रिश्ता 2000 का सह निर्माता भी है। बाद में उनका परिवार मुंबई चला गया, जहां ऐश्वर्या राय आर्य विद्या मंदिर हाई स्कूल मुंबई में शिक्षा ग्रहण करने लगी थी। राय ने अपनी माध्यमिक शिक्षा एक साल के लिए जय हिंद कॉलेज और फिर डीजी रुपरेल कॉलेज मटुंगा से ग्रहण की। अपनी किशोरावस्था में उन्होंने डांस और म्यूजिक का प्रशिक्षण ले रखा था। उनका सबसे पसंदीदा विषय जूलॉजी है। पहले पेश मेडिसिन में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उसमें वह उसमें असफल हुई। बाद में आर्किटेक्ट बनने की योजना से वह रहेजा कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिल हुई, लेकिन बाद में उन्हें मॉडलिंग से संबंधित शिक्षा ग्रहण की। 1991 में ऐश्वर्या राय ने इंटरनेशनल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता, जिसे फ्रांस ने आयोजित किया था। 1993 में ऐश्वर्या राय को काफी लोगों ने पहचाना और पेप्सी ने भी आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ ऐश को काम करने का मौका दिया। उनकी सिर्फ एक लाइन हाय आई एम संजना ने उन्हें जग प्रसिद्ध बना दिया। 1994 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में उन्होंने दूसरी जगह जीती। वह उस समय सुष्मिता सेन के पीछे थी और बाद में वह मिस वर्ल्ड बनी। इसके साथ ही वह 5 और शीर्षक भी जीत चुकी है, जिनमें मिस कैटवॉक, मिस मीरा क्योलस, मिस फोटोजेनिक, मिस परफेक्टेन और मिस पॉपुल के भी शीर्षक जीते हैं। जब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में वह भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी तो ऐश्वर्या ने काफी शीर्षकों को अपने नाम किया था, जिनमें ऊपर बताए गए सभी शीर्षक शामिल है। प्रतियोगिता जीतने के बाद राय ने कहा कि वह इस दुनिया के लिए शांति चाहती है और उनकी इच्छा है कि वह लंदन में शांति की ब्रांड एम्बेसडर बने। बाद में जब तक राय अभिनेत्री नहीं बन जाती तब तक उसने अपना मॉडलिंग करियर शुरू रखा। ऐश्वर्या राय का व्यक्तिगत जीवन। 1999 में ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड सितारे सलमान खान के साथ डेटिंग की, पर 2001 में वो एक दूसरे से अलग नहीं हो गए। संबंध खराब होने के कारण के रूप में राय ने सलमान खान पर बेवफाई और अपमान के आरोप लगाए। अभिषेक बच्चन के पिता अमिताभ बच्चन ने 14 जनवरी 2007 को अभिषेक और निश की एंगेजमेंट की घोषणा की। बाद में 20 अप्रैल 2007 को हिंदू परंपराओं के अनुसार उनका विवाह हुआ। इसके साथ ही विवाह में उत्तरी भारत और बंगाली परंपराओं को भी निभाया गया। उनका विवाह बच्चन के निजी मकान प्रतीक्षा में ही हुआ।
जो कि मुंबई में जुहू के नजदीक स्थित है। ऐश्वर्या राय ने 16 नवंबर 2011 को एक बेटी को जन्म दिया। उस समय उनकी बेटी बेटी बी के नाम से काफी प्रसिद्ध हुई। उसका नाम आराध्या बच्चन रखा गया। भारतीय मीडिया में उनकी जोड़ी को सुपर कपल भी कहा जाता है। ऐश्वर्या राय को अपने परिवार से काफी लगाव था, इसीलिए ऐश्वर्या राय अपने विवाह तक मुंबई के बांद्रा में अपने परिवार के साथ ही रहती। ऐश्वर्या राय एक हिंदू है और धार्मिक परंपराओं को बहुत मानती है। इसके बाद काफी अवार्ड सेरेमनी में वे दोनों एक साथ जाने लगे, जिसमें विवाह के बाद सबसे पहले वे एक साथ कैनन्स फिल्म फेस्टिवल में गए और बाद में 2009 को वे ओप्रा विनफ्रे शो में भी सम्मिलित हुए। वे देशों में भी उन्होंने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। वे देशों में उनके जोड़ी की तुलना ब्रांजेलिना से की जाती है। ऐश्वर्या राय की प्रसिद्ध फिल्में एक जीन्स 1982, हम दिल चुके सनम 1999, तीन तल 1999, चार कंद कौन देन 2000, पाँच मोहब्बते 2000, छह हमारा दिल आपके पास है 2001, सात देवदास 2008, रेनकोट 2049, ब्राइड एंड प्रेजुडिस 2004, 10, धूम 2006, 11, गुरु 2007, 12, जोधा अकबर 2008, 13, इंथिरन 2010, 14, गुजारिश 2010, 15, जज्बा 2015। ऐश्वर्या राय के अवार्ड्स, राय का 10 से भी ज्यादा बार फिल्म फेयर के लिए नाम निर्देशन हो चुका है और उन्हें हम दिल चुके सनम 1999 और देवदास 2002 के लिए दो बेस्ट एक्ट्रेस ट्रॉफी प्राप्त हुई। 2009 में कला के क्षेत्र में उनके अतुल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री से नवाजा। 2012 में उन्हें फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान नोटर द आर्ट्स एट द लेटर्स का सम्मान दिया गया। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारा फेसबुक पेज लाइक जरूर करें।